ये देखिए अजय चौटाला इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं एक बार। तरफ से मिल रहा है, अच्छा है। तो आपकी बात लगता है कि किंग मेकर की स्थिति में आएंगे या किंग बनेंगे? निश्चित तौर पे इसी चाबी से ताला खुलेगा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का। उचाना से कैसे देखते हैं, क्योंकि उचाना पे एक बिग फाइट है और वहाँ से आप लोग लगातार? भाई फाइट तो हर चुनाव में होती है भैया, बिना फाइट के चुनाव थोड़े होते हैं। नई पार्टी बनी थी, 10 सीटें आई पिछली बार, इस बार क्या उम्मीद है? आपने अलायंस कहीं और किया है? पहले से ज्यादा आएगी। इस बार भी किंगमेकर आप बनेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का ताला इसी चाबी से खुलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या सर, इस बार भी संभावना है बीजेपी के साथ? अगर चुनाव परिणाम घोषित होने दो, क्या स्थिति बनती है उसके बाद में आंकलन करके उधर भी संभव हो सकता है। इस बार कोई उम्मीद रखते हैं आप बीजेपी के साथ जाने की? पोस्ट पोल अलायंस अगर नहीं 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 सर, सबसे पहले क्या देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज लोकतंत्र में? लोकतंत्र में यही है कि ये तो हमारा 5 साल में आने वाला एक पर्व है। जागरूक मतदाता जो है वो एक एक मतदान अपना करें और ये फैसला लें कि कौन प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा सकता है, कौन प्रदेश के नौजवान को रोजगार दे सकता है, कौन माताओं बहनों के सम्मान को चार चांद लगा सकता है। इलेक्शन दौरान क्या लगता है आपको कि क्या प्रभावित किया वोटर्स को सबसे ज्यादा? प्रभावित तो अनेक चुनावी मुद्दे होते हैं, उनको सर एक सेकंड। इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह चौटाला जी हैं। सर आपने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा का माहौल? तो प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने तय करना है, मैंने अपना काम किया। क्या लग रहा है कि इस बार जो पिछले बार जिस तरह के सीटें आई थी, किंग मेकर की भूमिका आपने निभाया था, इस बार कहा कि निश्चित तौर पे इसी चाबी से हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का ताला खुलेगा। क्या कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और जो उनके पूरे फैमिली जो है वो भी मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पर निकल रहे हैं, तो ये तस्वीरें उनके परिवार को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके सभी लोग निकल रहे हैं यहाँ पर।